विदेशी किस्मों की बात करें तो टॉमी एटकिंस और सेंसेशन का प्रमुख स्थान है। भारत में इसकी बागवानी लंबे स्तर पर की जाने लगी, खासकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, चाहे बस्ती की बात करें, लखनऊ की बात करें, बाराबंकी की बात करें, इन सभी जिलों में इसकी व्यावसायिक खेती होने लगी है। और टॉमी एटकिंस और सेंसेशन अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में विकसित की गई थी और वहीं से इसको भारत में लाया गया था। और कलर के मामले में, साइज के मामले में, स्वाद के मामले में दोनों किस्में अपने आप में लाजवाब मानी जाती हैं। आप देख रहे हैं, ये सेंसेशन वैरायटी है, इसकी खूबसूरती मन मोह लेने वाली होती है, साइज भी लाजवाब होता है, लगभग 800 से लेकर के 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। और ये लेट में पकने वाला वैरायटी है, इसको लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में यानी एक कमरे के तापमान पर लगभग 8 से 10 दिनों तक आसानी से भंडारित किया जा सकता है। ये जल्दी खराब होने वाली किस्मों में नहीं गिना जाता है और एक काट कर खाने जाने वाली किस्मों में गिने जाती है, यानी ये चूसने वाली किस्मों में शामिल नहीं है, गुदेदार प्रजाति मानी जाती है। ऐसे में व्यावसायिक लेवल पर, कमर्शियल लेवल पर किसान भाई इसकी खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर लाभप्रद होगा। पारंपरिक किस्मों की बात करें तो पारंपरिक किस्में कम से कम 10 मीटर की दूरी पर रोपी जाती है, जबकि इसको हम 2.5 मीटर की दूरी पर रोप करके लगभग उसके दुगुना से तिगुना पौधा हम इसमें रोप सकते हैं, जिससे अधिक पौधों से रोपने से हम अधिक आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। छोटी और बौनी वैरायटी होने की वजह से इसमें कीट नियंत्रण करना या बैगिंग करना आसान होता है। सामने हमने टॉमी एटकिंस की बात की, इसको यहाँ पर लगभग 100 रुपये पीस के हिसाब से बेचा जा रहा है लखनऊ आम महोत्सव में, और इसको हम आसानी से पीस में अगर बैगिंग कर देते हैं तो उसको 100 रुपया पीस बेचा जाना आसान हो जाएगा। लगभग 600 से लेकर के 800 ग्राम तक इसका वजन होता है। और यहीं पर इसका प्रदर्शित किया गया, ये भी टॉमी एटकिंस है, इसको बैगिंग किया गया था। आप देख सकते हैं टॉमी एटकिंस की 2 वैरायटियाँ हैं, एक बैगिंग, दोनों बैगिंग की गई थी और दोनों के रंग और रूप में और साइज में दोनों में आप अंतर देख सकते हैं। तो अगर आप बैगिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आम की क्वालिटी है अपने आप बढ़ जाती है, इससे कीट का, बीमारियों का प्रकोप भी नहीं होता, दाग धब्बे नहीं आते हैं। तो रंगीन किस्मों में विदेशी किस्मों की बात करें, टॉमी एटकिंस और सेंसेशन कमर्शियल लेवल पर खेती करने के लिए सबसे मुफीद वैरायटियों में गिना जा सकता है।